इसके एक तरफा में यूं मगरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर मांगूं तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर चाहूं तो चाहूं पर तुम न मुझको चाहना, क्योंकि तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। बंजारा बीट में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे कथा प्रवक्ता से जो बड़ी रसमय उनकी प्रस्तुति होती है, और देश में कई शहरों में उन्होंने अपना लोगों को धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ा है। चलिए उनसे सीधा पूछते हैं क्या उन्होंने क्या किया है। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया, आपने देश में बहुत जगह अपने प्रोग्राम्स किए हैं, लोगों को कथा सुनाई है, तो आप हमें बताएं कहाँ कहाँ आपके प्रोग्राम्स हुए। सबसे पहले तो मैंने जब कथा करना शुभारम्भ किया था तो सबसे पहले तो वृंदावन में, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट छोड़ करके और साउथ को छोड़ दें तो प्रायः भारत के लगभग हर राज्य में जाना मेरा हुआ है, और आउट ऑफ इंडिया भी मैं कई बार गया हूँ, नेपाल गया हूँ, और अभी सिंगापुर हमारी कथा थी, हमारे गुजराती परिवार है, मारवाड़ी परिवार अहमदाबाद से, तो उन्होंने वहाँ आयोजन ऑर्गेनाइज किया था। तो भारत में भी प्रायः हर राज्यों में जाने का अवसर मिला, और भारत से बाहर भी समय समय पर जाते ही रहते हैं। बाकी जो आनंद तीर्थ में कथा करने में आता है वो वास्तविकता में कहीं नहीं। महाराज जी, एक आप अपने बारे में ये बताइए, आपने शुरुआत कब से की? जब मैं 15 वर्ष का था तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली कथा मैंने 15 वर्ष की उम्र में की, लेकिन जब मैं 10 वर्ष का था तब मैं घर से बाहर चला गया था। घर से बाहर जाने का मतलब? गुरुकुल में पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं बनारस रहा हूँ और फिर वृंदावन रहा। पहले मैंने वेद का कर्मकांड का अध्ययन किया, फिर संस्कृत व्याकरण मेरा सब्जेक्ट था तो संस्कृत व्याकरण से मैंने डिग्री प्राप्त की, और अभी इस वर्ष मेरे आचार्य फाइनल वर्ष है, इसके बाद PhD में संस्कृत से करूँगा। तो पहले पठन पाठन हुआ संस्कृत का भी और वेदों का अध्ययन भी और व्याकरण भी, फिर उसके बाद थोड़ा प्रवचन किया तो लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे जो साथ के लोग थे उन्होंने कहा कि आप प्रवचन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रथम बार कथा जो मैंने कहा कि सबसे पहली कथा हमने वृंदावन में वहाँ की 15 वर्ष की उम्र में, फिर वो यात्रा चलती गई थी शुभारम्भ, और अब निर्वरत चल ही रही है। जहाँ आयोजन होते हैं, जहाँ श्रोता बुलाते हैं, जहाँ भक्तजन बुलाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं अपनी गादी लेकर। उद्देश्य केवल इतना ही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरिनाम का लाभ लें और अपना हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि हमारी संस्कृति का उद्देश्य ही है जोड़ना, धर्म का उद्देश्य ही है जोड़ना, तोड़ना नहीं। धर्म इसीलिए है कि जिसका उद्देश्य एक दूसरे के बीच में योग होवे, और व्यासपीठ यही काम करती है। जो भी व्यक्ति कथा करता है या जो भी इस गादी पर बैठता है उसका सबसे प्रथम उद्देश्य यही है कि समाज को धर्म से जोड़े, हमारी सनातन संस्कृति से जोड़े, और हमारे जो मूलभूत संस्कार हैं उनसे हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को, आगामी पीढ़ी को जोड़ सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों की, हमारे वेदों की बातों को पहुँचा सकें। जैसा कि आपने बताया कि आप 10 वर्ष की आयु में इस धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े, क्या आपने बचपन से ही सोच रखा था कि यही करेंगे, या आपने कुछ कैरियर पर कुछ और पहले कुछ अलग सोच रखा था? हमारे क्या है कि हमारे परिवार में तो कोई कथा आदि नहीं करता, पांडित्य कर्म जरूर हमारे नाना जी वगैरह करते हैं, लेकिन वो गोविंद की सहज कृपा थी। पहले थोड़ा थोड़ा एक दो प्रवक्ताओं के साथ में गया तो एक दो बार कथा सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बस ऐसे ही ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने खींच लिया कि भाई इस मार्ग में जाना है। बाकी मैंने जैसा कहा कि मुझे संस्कृत से टीचर बनना था, संस्कृत में से तो मेरा शुरू से ही मतलब लगाव रहा। मैं जब यहाँ भी अध्ययन रहा अन्य विद्यालयों में तो संस्कृत से ही मेरा ज़्यादा था विषय, लेकिन फिर बनारस गया तब भी मैं इसी उद्देश्य से पढ़ाई कर रहा था व्याकरण की कि संस्कृत से टीचर बनूंगा, और फिर वहाँ भी जैसे मैं वृंदावन बाद में रहा तो कमरे पर जब रहे तो कमरे पर पढ़ाता भी था व्याकरण के जो भी और विद्यार्थी थे, क्योंकि जब पढ़ता था और पढ़ाता था कि हमारे गुरुजी का आदेश था कि जितना आप उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएंगे उतना खुद का बढ़ेगा, तो वो समय का सदुपयोग होता था, स्वयं भी अध्ययन करते थे, दूसरों को भी कराते थे, फिर वो कथा का क्रम प्रारंभ। कथा पे अपन वापस आते हैं। कथा एक्चुअल में आप भागवत कथा होती क्या है, लोगों को ये आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो, द्वापर युग के अंत में सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास जी बैठे और वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। उद्देश्य केवल इतना था कि आने वाले समय में कलयुग में लोग अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकें, लोग धर्म से जुड़ सकें। समाज में 3 लोग हैं,
कथाकार, कलाकार और पत्रकार, इन तीनों का उद्देश्य ये है कि जब जब समाज में विकृति आवे, समाज को अपने अपने माध्यम से, जिसको भगवान ने जो गुण दिया है उसके माध्यम से समाज को प्रेरित करें। तो कथाकार, कलाकार और पत्रकार, सत्यम शिवम सुंदरम के ये तीनों उपासक हैं। पत्रकार सत्य का उपासक होना चाहिए, कलाकार सुंदरता का उपासक होना चाहिए और कथाकार शिव का, उस परम सत्य का उपासक होना चाहिए। तो वेदव्यास जी ने एक दिन जब ध्यान लगाया कि आने वाले समय में कलयुग क्या होगा, और जब उन्होंने देखा कि जो क्या घटने वाला है कि परिवारों का, रिश्तों का, संस्कृति का महत्व ही नहीं रह जाएगा, लोग यही कहेंगे कि ये आपने हमारे लिए किया ही क्या, अंत तो बतवा माता पिता, और जो आजकल भौतिकतावाद के बाहर के देशों में हो रहा है वही धीरे धीरे यहाँ भी हो। तो उन्होंने समाज के कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। और शांति इसलिए नहीं मिल रही थी कि जब तक हम कोई भी कार्य जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो उद्देश्य अगर सफल ना हो तो मन को शांति नहीं मिलती, सहज सी बात है। और जिस उद्देश्य से वो कार्य किया गया वो अगर पूर्ण हो जाए तो मन को शांति मिलती। तो वो उदास बैठे थे और तब नारद जी ने आकर के उन्हें बताया कि आप हरि नाम के मेहमान हो, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। सीधा सा सूत्र है, संपत्ति से कोई भी व्यक्ति सुविधाएं तो खरीद सकता है पर शांति नहीं खरीद सकता। कोई भी व्यक्ति कितनी ही संपत्ति इकट्ठी कर ले, सुविधाएं खरीद लेगा, शांति कहाँ से खरीदेगा? डल्लब का गद्दा तो खरीद सकते पर नींद कहाँ से खरीदेगा? स्थिति ये है कि आज गले में है तो सोने की चैन पर आदमी बेचैन। तो वेद व्यास जी ने नारद जी के समझाने पर हरि नाम की महिमा का ग्रंथ गाया, और सबसे पहले ये जो भागवत थी चतुश्लोकी भागवत के रूप में थी, जिसे चार श्लोकों की भागवत कहा जाता है जी। सबसे पहली बार भागवत की कथा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने वही अपने बेटे नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई जब उनके मन को शांति नहीं मिली, और उन्होंने वेद व्यास जी ने, उनका नाम वेद व्यास था, व्यास माने व्यस्तार करना, व्यस्ता वेदा अनेन इति वेद व्यास, जिसका कार्य था कि वेदों का विस्तार करना। पहले एक ही वेद था, नाम था जिसर्ग वेद, उन्होंने चार बना। तो उन्होंने चार श्लोकों की भागवत को, क्योंकि वो कठिन थी, साधारण व्यक्ति सहजता से उसका अर्थ नहीं समझ सकता था, उसका उद्देश्य नहीं समझ सकता था, तो उन्होंने उसको 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। और विगत बहुत सारी कथाओं के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से लोग सरलता से समझ सकें वो जो कहना चाहते थे, उसके माध्यम से परिवर्तित हुआ। तो वही भागवत की कथा जो नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा अपने राजा परीक्षित को सुनाई, जब उन्हें सातवें दिन मरने का श्राप लगा गंगा के तट पर, और जब परीक्षित को सुना रहे थे तो सूत जी ने सुनी, और फिर नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि में सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाई, और अब यत्र तत्र सर्वत्र हम जैसे लोग हरिनाम गाते रहते हैं। अब भागवत क्या है? भागवत पुराण नहीं है, भागवत महापुराण है। पुराण में और महापुराण में अंतर है। पुराण के पाँच लक्षण होते हैं। पुराण कहते हैं पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो प्राचीन होते हुए भी, पुरातन होते हुए भी नए युग में नए नए रास्ते दिखाए उसे पुराण कहते हैं। ये कथाएं आज तो लिखी नहीं गई, हमारा क्या, हमारे बाप दादाओं का भी जन्म नहीं हुआ था तब लिखी गई, लेकिन आज भी जब उन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, चाहे गीता है, रामचरितमानस है, भागवत है, तो हमें लगता है ओहो ये तो हमारे जीवन की ही बात कह रहा, जो हमारे जीवन में घट रहा। पुराण यही है, पुराण माने जो पुरातन होते हुए भी नए युग में नए नए रास्ते दिखाए। कितने ही हम आगे बढ़ जाएं, कितने ही भौतिकतावाद की दौड़ में दौड़ जाएं, लेकिन ये पुराण हर समय हमें मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे जी। और महापुराण के 10 लक्षण होते हैं, सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, कर्म वासना, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अब भागवत क्या है? भागवत वक्तानाम मधुराणी चरित्रम यस्मिन ग्रंथे वर्णयति सह ग्रंथानाम भागवत अस्ति, जिस ग्रंथ में भगवान की भी कथा है और भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की भी कथा है उसका नाम है भागवत। और सरल करके कहें तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वो भागवत है, अर्थात या फिर भगवता इदम भागवतम, भगवान ही भागवत के रूप में। जब भगवान श्री कृष्ण 5,200 वर्ष पूर्व जा रहे थे, तो जब स्वधाम गमन करने लगे अपनी लीला स्मरण करके, तो सब उदास हो गए कि भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ जाएगा। सबने प्रश्न किया कि प्रभु धर्म क्या है, लोगों को पता कैसे चलेगा? तो वहाँ एक प्रसंग है कि भगवान के जाते समय उनके शरीर से एक ज्योति निकली, और वह ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विलीन हुई। तेनेयम भांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए ये ग्रंथ केवल कोई पोथी नहीं, केवल कोई किताब नहीं, साक्षात भगवान का शब्दमय भांगमय विग्रह। तो भागवत सरल करके कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान ने जो कहा वो भागवत है, या फिर भगवान ही भागवत के रूप में पधारे। महाराज जी, आप चूँकि देश में, विदेश में भी आपकी जो
प्रवचन होते रहे, कथा वाचन होता रहा, उनमें सबसे दिलचस्प जो भी आपका संस्मरण हो, जो दर्शकों को बहुत लुभाता हो, वो आप हमारे दर्शकों को के साथ शेयर करें। देखिए, हरी कथा जो है, हरे नाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दिने दिने नवम नवम नवामी नंद नंदन। भगवान की कथा नित्य प्रति नवनूतन नई है। जो आनंद पिछली कथा में आया उससे अधिक आनंद इस कथा में आता है, जो आनंद इस कथा में आएगा जब अगली बार गाने बैठेंगे तो उससे ज़्यादा आएगा। तो हमारे यहाँ भागवत को कहा गया कि यह रसमालय है, रसमालय माने रस का भंडार है। संसार के जितने भी भौतिक भोग हम भोगते हैं वो भी रस हैं, लेकिन उनमें और इसमें अंतर क्या है? संसार के जितने भी रस हम भोगते हैं उनका स्वाद दिन प्रतिदिन कम होता है। जैसे हम कोई नई वस्तु खरीद के लाएं तो जो सुख वो पहले दिन देगी उतना सुख दूसरे दिन नहीं देगी, कम होता जाता है। एक दिन वो आता है कि घर में किस कोने में पड़ी है पता नहीं, लेकिन हरी कथा का रस ऐसा है कि जितनी बार आप सुनेंगे, जितनी बार आप गाएंगे, उतनी बार आपको नित नवतून नूतन रस मिलता ही रहे। तो मैंने जैसा कि कहा कि कथाएं तो अब मैं प्रायः हर जगह करते ही हूँ, लेकिन तीर्थ में जब कथा कहते हैं तो क्या होता है कि वहाँ का स्थान सामने जब संत महापुरुष होते हैं तो उनके सामने एक तो कहते वक्त हमें भी बहुत सावधान होना हो। तो कई बार तीर्थों में जब हम कथा कहते हैं तो मैं वो जो अनुभूति प्राप्त होती, कई बार तो हमें पता चलता है कि 6-6 घंटे कथा की हमने, कई बार 7-7 घंटे, और श्रोता सामने से एक भी नहीं हिला, तो वो एक अलग ही अनुभूति होती है। जब वृंदावन में अलौकिक सुख है, जब देखो एक तो ये होता है कि वक्ता वही कहने के लिए कम 7 घंटे कहते रहे लेकिन श्रोता चले जाएँ तो वो कथा का आनंद। लेकिन जब हमने कई बार तीर्थों में देखा है, जब कई बार जब कथा का आनंद बढ़ता है, जब हम जब श्रोता भाव से सुनते हैं और जब हम हमारा भी मन लगता है हरी कथा कहने में, तो तीर्थों में 5-5, 6-6 घंटे कथा हुई कई बार तब भी श्रोता नहीं जाता, तो ये अनुभूति तीर्थों में ज़्यादा होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि श्रोता अगर सुनने वाले मिल जाएँ तो हर स्थान पर हो सकती है, तो हर स्थान का आनंद। ये भी देखा गया है कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज़्यादातर संख्या सीनियर सिटीजन की, वयोवृद्ध लोगों की और महिलाओं की होती है, महिलाओं का परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही होता है, इसकी क्या वजह है? एक पक्ष इसका ये है कि भाइयों के पास तो अन्य जिम्मेदारियाँ भी, जैसे प्रायः परिवार को चलाना, परिवार में धन कैसे आए, अन्य व्यवस्थाएँ कैसे आए, तो जो लगभग प्रायः कथा का समय होता है वो दिन में ही होता है, और प्रायः सबकी जॉब्स हैं, किसी के व्यापार है, और या फिर कोई आयोजन बहुत प्लानिंग करके किया गया हो बहुत सारे लोग, तो फिर भी कई बार जब भी प्लानिंग करके किया जाए तो प्राय यही देखने को मिला है कि माताओं की संख्या ज़्यादा होती है। हाँ, क्यों माताएं ज़्यादा धार्मिक होती हैं? नहीं, इसके दो कारण हैं, परिवार में धन कैसे आए ये भाइयों की जिम्मेदारी है, और परिवार में धर्म कैसे आए ये माताओं की जिम्मेदारी है। वो भाई लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो माताओं को धर्म करने से नहीं रोकते, वो कहते हैं कि हम सब कर रहे हैं, आप मैं तो समय नहीं दे सकता, समय आप दो और अर्थ ला करके हम देंगे आप हमारे माध्यम से, क्योंकि आप जो करेंगे उसका फल हमें ही मिलना है, अर्धांगिनी है वो। तो परिवार में धन कैसे आए ये भाइयों की जिम्मेदारी, और परिवार में धर्म कैसे आए ये माताओं की जिम्मेदारी। और वास्तविकता में माताएं तो भक्ति स्वरूपा हैं सब, और देखा जाए तो धर्म की ध्वजा कलकाल में माताओं के ऊपर ही टिकी, और वही हैं जो परिवार में, हमारे यहाँ कहते हैं घर को घर नहीं कहा गया, घर में रहने वाली वो देवी है, वो साक्षात घर है, वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो घर को नर्क बना दे। तो माताओं की संख्या इसीलिए ज़्यादा रहती क्योंकि भक्ति स्वरूपा और भक्ति की शक्ति उन्हें खींच लाती। हाँ जी, आज की नई पीढ़ी धार्मिकता को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि उनको लगता है टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो बहुत सारे साक्ष और तर्क वितर्क बात करती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को? आप अपनी तरफ से कोई संदेश दीजिए ताकि वो उनका भी रुझान इस तरफ बढ़े। देखिए, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कमी समझ लीजिए हमारे धर्म विडम्बना, या हमारे धर्म की आप ये कमी भी समझ सकते हैं, हमारे यहाँ प्रश्न पूछने वाले को हम गलत कह देते हैं, ऐसा नहीं। तर्क होना अच्छी बात है और कुतर्क होना बुरी बात है। हमारे जितने भी शास्त्र आप देखेंगे, राम कथा, भागवत कथा, सब तर्कों से ही शुरू हुई। जब भवानी ने महादेव से प्रश्न पूछा तो राम कथा शुरू हुई, सौनकादित्य ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा तो अन्य पुराणों की कथा शुरू हुई। तो तर्क तो अच्छी बात है पर कुतर्क बहुत बुरी बात है। कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कथा को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, और मुझे आजकल ऐसा लगता है कई बार क्या होता है कि हमने कह दिया युवा पीढ़ी नास्तिक, नास्तिक नहीं, उनके कुछ प्रश्न हैं, हमारे पास उन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। हाँ, वो इस धर्म से जुड़ने के लिए तैयार है, वो उस चीज़ को समझने के लिए तैयार है, और मैं मानता हूँ कि बिना समझे करेंगे तो भाव नहीं बनेगा, और भाव नहीं बनेगा तो फिर वो क्रिया है खोखली, वो धर्म है ही नहीं, वो पूजा है ही नहीं। युवा पीढ़ी को चाहिए कि उनके जो प्रश्न हैं वो निसंकोच होकर के पूछें,
और जो हमारी लाइन से जुड़े हुए लोग कथा प्रवक्ता हैं, जो धर्म की गादी के विशेषज्ञ या माता पिता हैं, पेरेंट्स, उन्हें चाहिए कि हमारे बच्चों के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर दें। हम मंदिर जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं, उनको मतलब समझाएं, उसका उद्देश्य समझाएं। हम तिलक लगाते हैं, हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, सिखा रखते हैं, या तीर्थ जाते हैं, ये कथाओं का उद्देश्य क्या है, जब हम वो समझाएंगे और हमारी युवा संस्कृति को ये समझ में आएगा पीढ़ी को, तो वो सहज जुड़ जाए। पर ऐसा नहीं है। आज जितनी मैं तो जब बाहर कथाएं करने के लिए जाता हूं, तो बहुत युवा पीढ़ी कथा में आती है और अपार संख्या में पधारती माताओं के साथ। लेकिन एक बार उनको समझ में आना चाहिए, उनको जुड़ना चाहिए। हमारी कथाओं में बहुत युवा लोग आते हैं। सीनियर सिटीजन इसलिए है कि भैया वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, ठीक है, माता पिता तो भाई उनको तो आना ही है। लेकिन मैं हमेशा कथाओं में कहता हूँ, भगवत भजन बचपन का विषय नहीं है, भगवत भजन बचपन का विषय है। खिलता हुआ फूल सबको प्रिय लगता है, बाल्यकाल जो है वो कली है इस जीवन के पुष्प की, युवावस्था खिलता हुआ फूल है और वृद्धावस्था मुरझाया हुआ फूल है। अंततो गत्वा तो हमें जाना ही है हरि की शरण में। जब परिवार वालों ने ठुकरा दिया, समाज ने ठुकरा दिया, तब हरि को याद करने के अलावा विकल्प क्या बचा। लेकिन वास्तविकता में भक्ति तो वो है जब बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति के संस्कार हमारे जीवन में रहें, बालकाल से ही हमारे धर्म से जुड़ें, बालकाल से ही हमारे सनातन संस्कृतों से संस्कारों से जुड़ें और लोगों को प्रेरित करें उससे जुड़ने के लिए। हमारे जन्म से लेकर मरने तक 16 संस्कार होते हैं। तो ये दुर्भाग्य ही समझ लो कि आज किसी से भी पूछ लो, वो दिन दूर नहीं, आज बच्चों से किसी से पूछ लो कि आपका गोत्र क्या है, तो बाप की शक्ल ऐसे देखता है जैसे ना जाने क्या पूछ लो। आने वाले समय वो दूर नहीं जब लोग तर्पण करना भूल जाएंगे। आज त्रयोदशी, भोजन भंडारा सब धीरे धीरे कम होने लगा, लोग उसके प्रति कुतर्क देते हैं, लेकिन उन कुतर्कों के हमारे पास उत्तर होने चाहिए। तर्क अच्छी बात है पर कुतर्क नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति श्रीमद् भगवद गीता का सूत्र है। तर्क से कभी कुछ मिला नहीं, प्रश्न पूछें, कुतर्क नहीं करें। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो धर्म को लेकर के पर्टिकुलर कुतर्क करते हैं, उनको प्रश्न के उत्तर मिल भी नहीं, बहुत मिलते हैं। प्रश्न मैनेज करते हैं उनको, जहाँ तक उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं और जब वो कुतर्क करते हैं तो उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया जाता है। अब जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि रावण की नानी का नाम क्या है, अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए नाम है भी, बता भी दिया, जान लिया, उससे होगा क्या? अगर हमें प्रश्न, हमारे शास्त्रों में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए गए जिन प्रश्नों के उत्तर से हमारा कुछ कल्याण हो सकता। देखो, जानकारी पा लेना अलग बात है, उस जानकारी का हमारे लिए किस कार्य में वो उपयोग आ सकती है, सही बात, उसका अलग प्रयोजन। एक बालक था, बनारस से पढ़ के लौटा, तो बाप ने पूछा कि बेटा क्या पढ़ाई करके आए। बोले हम तर्कशास्त्र पढ़ के आए, हमारे यहाँ न्याय शास्त्र तर्कशास्त्र पढ़ के आए। तो क्या पढ़ा? उसने कहा कि मैंने असंभव को संभव करना सीख लिया, असंभव को मैं संभव बना देता हूँ। बाप मुस्कुराया और कहा, बेटा असंभव को संभव भला कोई कर पाया? उसने कहा, यही तो मेरी कला का प्रभाव है, यही तो मेरी विद्या है, मैं असंभव को संभव कर सकता हूँ। तो हुआ ये था कि मकर संक्रांति पर वो लौटा था और अपने यहाँ परंपरा मकर संक्रांति पर लड्डू बनाए जाते हैं। तो जो लड़के की माँ थी, एक थाली में दो लड्डू ले, एक लड़के के अपने बेटे के लिए और एक उसके पिताजी के लिए। जैसे ही दो लड्डू ले आई तो बेटा ने कहा, रुको रुको पिताजी ठहरो, इस थाली में कितने लड्डू हैं? पिताजी ने कहा कि दो हैं। बोले नहीं नहीं इसमें तीन है। बोले कैसे सिद्ध कर सकते? बोले यही तो तर्कशास्त्र का प्रभाव है, कैसे सिद्ध करोगे? उसने कहा, पहले लड्डू पर उंगली रखी का एक, दूसरे उंगली पर लड्डू रखी का दो, और दो और एक मिलाओ तो तीन। पिता बड़ा मुस्कुराया, कहा ये तीन सिद्ध? बोले हाँ। तो पिता भी बड़ा चतुर था, उसने एक लड्डू स्वयं खा लिया, एक लड्डू अपनी पत्नी को दे दिया, लड़के की माँ को, और कहा, बेटा वो जो तीसरा लड्डू बताया वो तू खा लेना। इस बात को कहने का उद्देश्य ये है कि तर्क से मिलता कुछ नहीं, वो तर्क से क्या होगा, वो तर्क से फालतू के प्रश्न उत्पन्न होंगे। प्रश्न पूछो जिन प्रश्नों से हमारा उद्देश्य है। कभी किसी संत का, किसी साधु महापुरुष का, किसी कथा कहने वाले प्रवक्ता का समय बर्बाद ना करें। कई बार कुछ लोगों को क्या इसी बात का, कुछ लोगों का क्या इसी बात का घमंड हो जाता है, जैसे कोई बीमार हो जाए ना तो कहते, अरे महाराज हमारी बीमारी का इलाज हमने बहुत दूर दूर गए, कोई कर ही नहीं पाया। अब इसका भी कोई अभिमान होता है। कई बार लोग कहते हैं हमारे प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े लोग नहीं दे पाए, तो इस बात का खुशी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि तुम ऐसे कुतर्क कर रहे हो जिसका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अगर सही प्रश्न होता तो उत्तर मिल ही गया होता। कुतर्क करोगे तो कुतर्क का उत्तर कौन दे सकता है? समझाया उसे जा सकता है जो समझना चाहता हो, सोया इसे जगाया भी उसे जा सकता है जो सो रहा हो, जो सोने का ढोंग करे कि मैं सो रहा हूँ पर जाग रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। आज के परिप्रेक्ष्य में बस इतना ही कहूँगा, संतोष जब तक नहीं, एक व्यक्ति वो है जिसके पास जो है उसमें उसे संतोष है तो उसमें ही उसे सुख है, और एक व्यक्ति वो है उसके पास कितना भी है लेकिन दूसरे को ही देख रहा है अपने से बड़े को, तो उसे कभी शांति मिलने वाली नहीं, कभी सुकून मिलने वाला।
एक व्यक्ति वो है जो महीने का 10,000 कमा रहा है लेकिन फिर भी सुखी है, एक व्यक्ति वो है जो महीने के 1,00,000 कमा रहा है तो भी सुखी नहीं। आकांक्षाएं होना, ज़्यादा की भूख होना बुरी बात नहीं है, नित्य प्रति होनी चाहिए, पर चाह इतनी भी चाह ना हो कि हमारे जीवन के रस को ही ख़त्म कर दे, इतनी भी दौड़ ना हो कि हमारे जीवन के पारिवारिक सुख को ख़त्म कर दे, हमारी आत्मीयता को ख़त्म कर दे, हमारे रिश्तों को ख़त्म कर दे, हमारे प्रेम व्यवहार को ख़त्म कर दे। और जो यहाँ आने का उद्देश्य था, यहाँ तो यात्री हैं हम सब भैया, यात्रा में सुविधाएं कितनी अच्छी मिल जाए पर व्यक्ति घर जाना भूलता है क्या? यात्रा की सामान्य यात्रा की सुविधाएं यात्रा के लिए मुबारक, अंत तो व्यक्ति थक जाता है और कहता है भैया अब तो बस चले हम घर। तो उसमें एक कविता है बड़ी प्रसिद्ध है, किसी की मेरी नहीं किसी की है, मैं कहा करता हूँ, चाह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती, कितना भी आ जाए चाह हमेशा बढ़ती रहती कभी घटती नहीं। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से कोठी बुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, कोठी बनकर तैयार हुई तो मोटर कार की इच्छा, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह जी से लगी तो जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए और वो सांवरिया हमें चाहे तो क्या चाहिए, और वो सांवरिया हमें चाहे तो क्या चाहिए। बस सारे धर्म सारे अनुष्ठान सारी पूजाओं का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हरिचरणों में प्रेम हो जाए, और वो नहीं हो रहा है तो राख में हवन करने जैसा, तो हरिचरणों में प्रेम हो जाए। इसीलिए तो हमारे ब्रज के एक संत हुए बिंदु जी, उनका एक पद है कि इसके एक तरफा में यूँ मगरूर हो जाऊँगा, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊँगा मैं, और मैं अगर मांगूँ तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, पर न आसिक नहीं मजदूर हो जाऊँगा। अगर अपनी भक्ति के बदले कुछ मांग लिया भक्त का हारा फिर तो मजदूर हो गया कि सौदा कर लिया। इसके एक तरफा में यूँ मगरूर हो जाऊँगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊँगा मैं अगर मांगूँ तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना आसिक नहीं मजदूर हो जाऊँगा मैं, और मैं अगर चाहूँ तो चाहूँ पर तुम न मुझको चाहना, क्योंकि तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊँगा मैं, अभिमान आ सकता है, और मैं अगर देखूँ तो देखूँ पर तुम न मुझको देखना, क्योंकि तुमने अगर देखा फिर मशहूर हो जाऊँगा मैं, और मैं अगर तड़पूँ तो तड़पूँ पर दृग से बिंदु टपकाना, उन संत का नाम है बिंदु, मैं अगर तड़पूँ तो तड़पूँ पर दृग माने आँख, दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आँखों से तुम्हारी दूर हो जाऊँगा मैं, आँखों से तुम्हारी दूर हो जाऊँगा मैं। और गोविंद बस इतना ही चाहता हूँ, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, हरिनाम गाते गाते प्राण भी जाएँ तो हरिनाम गाते गाते ही जाएँ, हरिचरणों में प्रेम बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हरिनाम का हरिकथा का रस पहुँचा सकें। महाराज जी, हमारा जो चैनल है ये शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक चैनल है, धार्मिकता से भी जुड़ा हुआ है, हमारे यूथ को हमारी नई पीढ़ी को आप अपने तरीके से कुछ ऐसा संदेश दीजिए ताकि वो भी इस प्रक्रिया को जो आप बढ़ा रहे हैं आगे वो जुड़ सके। सबसे पहले तो मैं बंजारा बीट्स के दर्शकों को, जो भी श्रोता हैं, जो भी इस माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी को बधाई देता हूँ। देखिए आज के समय में बहुत सारे यूट्यूब चैनल, इतनी नेगेटिविटी है, आप मोबाइल खोलें इतनी नेगेटिविटी, इसकी कोई हद नहीं, व्यर्थ की खबरें व्यर्थ की बातें। आपका सबसे मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप पॉजिटिव चीज़ों को दिखा रहे हैं, कला संस्कृति हमारे धर्म विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, कम से कम लोगों तक अच्छी बात भी पहुँचे। मैंने आपके चैनल को एक विजिट किया, मैं देखकर आया, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर साया है ना, बहुत सुंदर सुंदर कविताएँ की बातें, खेल कूद प्रतियोगिता ये सब चीज़ें। देखिए एक ही बात मैं कहूँगा, हर परिस्थिति में व्यक्ति को पॉजिटिव रहना चाहिए, हर परिस्थिति में व्यक्ति को सकारात्मक रहना चाहिए। आज क्या है, हम अपनी मूलभूत चीज़ों से संस्कारों से दूर हो गए, तो उसका दुष्परिणाम क्या है कि थोड़ी सी भी समस्या हमारे जीवन में आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे नेगेटिव डिसीजन हो जाते हैं। सकारात्मकता हर समय जीवन में रहनी चाहिए, जीवन में परेशानियाँ आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उन्हें मुस्कुराते हुए पार कर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। जो किताबों से हम जानकारी तो प्राप्त कर सकते हैं, पर जो अनुभव हमें अपने माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे धर्म, हमारे शास्त्र और पुराण दे सकते हैं, विश्वास मानिए संसार का कोई धर्म, संसार की कोई किताब नहीं दे सकती। किताब पढ़ करके हम जानकारी तो इकट्ठी कर सकते हैं, पर जीवन को जीने के लिए अनुभव चाहिए होता है। होश वाला ठोकर कभी नहीं खाता, हमेशा जोश वाली ठोकर खाता। इसलिए बस इतना ही कहूँगा युवान भाई बहनों को, आप सब जुड़िए, एक बार धर्म को समझने की कोशिश कीजिए। धर्म का एक ही उद्देश्य है
जो हमें जोड़े, हमारे संस्कारों से जोड़े, हमारी संस्कृति से जोड़े, हमारे माँ बाप से जोड़े, हमारे प्राचीन जो परंपराएं थी उनसे जोड़े। कहीं गलत चीज़ है उसका विरोध करें, कोई भी करता हो उसका विरोध करें, लेकिन जो सकारात्मकता बातें हमारे धर्म की उन्हें बढ़ाएं। क्योंकि और विश्वास मानिए, धर्म वो नहीं है जो डरा धमका कर बढ़ाया जाए, धर्म वो नहीं है जो पैसे के बल पर बढ़ाया जाए। आज कितने सारे धर्म ऐसे, आज लाख साल पहले कौन सा धर्म था? बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनमें जब उनके धर्म की जो देवता जिनको भी मानते हैं वो आए तब धर्म चला। पर हमें गर्व से कहना चाहिए हमारा ये वो हिंदू धर्म है, जब राम और कृष्ण नहीं थे तब भी सनातन धर्म था। राम कृष्ण से सनातन धर्म नहीं चला, सनातन धर्म में राम और कृष्ण जन्म लेकर के आए। अगर आज हमें रोल मॉडल किसी को मानना है तो राम को मान सकते हैं। एक सच्चा बेटा कैसा होना चाहिए ये रामचरित्र से हम देखें, एक सच्चा भाई कैसा होना चाहिए ये रामचरित्र से देखें, शत्रुता भी कैसे करनी है ये भी राम से देखें। जब रावण अंगद को भेजा राम जी ने रावण को समझाने के लिए, तो कहा अंगद ऐसे समझाना कि काज हमारा तासु हित हो, काम हमारा हो जाए और हित उसका हो। शत्रुता भी कैसे कि सामने वाले का भी हित का ख्याल रखे। तो रोल मॉडल अगर किसी को मानना है तो हम अपने आदर्श महापुरुषों को माने। आज क्या है कि हम प्रभावित तो किसी से भी हो जाते हैं, किसी ने कोई थोड़ा फेमस हो गया उसकी बातों से प्रभावित हुए हम चल पड़ते। प्रभावित होना अच्छी बात है पर प्रवाहित तो होना अलग बात है। जब तक हम प्रवाहित नहीं होंगे किसी व्यक्ति के आचरणों से, स्वरूप से प्रभावित मत होइए, किसी की कला से प्रभावित मत होइए, उसके आचरणों से प्रभावित होइए। मैं कथा पर क्या कह रहा हूँ ठीक है उससे प्रभावित होइए, लेकिन मैं वास्तविक जीवन में क्या जी रहा हूँ उससे ज़्यादा प्रभावित होइए। व्यक्ति के आचरणों को जब हम देखना शुरू कर देंगे और उससे प्रभावित होंगे तो विश्वास मानिए हमारी सनातन संस्कृति का कल्याण होगा, हमारी युवा पीढ़ी का भला होगा और आने वाले समय में हम जहाँ तक इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि तो आने वाले समय में युवाओं युवा भाई बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे बुजुर्गों का हम अनुभव लें और अपना जोश हमारे साथ हो, माता पिता का आशीर्वाद, हमारी विद्या, हमारा जोश और सही दिशा, सही मार्ग हो तो हम सही मार्ग में बढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बंजारा वीट्स के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला यहाँ आकर के मेरे विचार लोगों तक पहुँचाने का। तो ये थे वृंदावन से पधारे पंडित सोम कृष्ण जी महाराज, जो युवाओं को धर्म से जोड़ने की अपील कर रहे थे। नमस्कार महाराज जी, आपने हमसे बात की। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।